लक्ष्मी बॉम्ब एक मूवी आई थी तमिल तेलुगु में 2011 में, कांचा, जिसकी ये रीमेक बन रही है। लक्ष्मी बॉम्ब उसकी रीमेक ही है। 22 मई 2020 को इसको थिएटर में रिलीज किया जाना था, बट थैंक्स टू कोरोना, जिसकी वजह से इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर 9th ऑफ नवंबर 2020 को रिलीज किया जाएगा। इसे डायरेक्ट किया है राघव लॉरेंस ने, जो इनकी पहली हिंदी डेब्यू मूवी होने वाली है। इसके अंदर कास्ट है अक्षय कुमार, कियारा अडवाणी, तुषार कपूर, आयशा राजा मिश्रा और बाकी अन्य कलाकार। जितना इसके ट्रेलर को देखकर पता चला कि इसमें अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाने वाले हैं और इसमें हॉरर और प्लस कॉमेडी का तड़का होने वाला है। तो खैर, हमारे समाज में जैसे किन्नर समुदाय होते हैं जिसे हम आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही अब ये जो मूवी है वो कैसे एक ट्रांसजेंडर की जो कम्युनिटी है उनके लिए कैसे कोई भलाई का काम करती है, फिर कैसे समाज की जो सोच बदलती है, ये तो देखने वाली बात ही होगी। जो ट्रेलर के अंदर जो डायलॉग सुनने को मिले उससे एक बात तो पता चल जाती है कि अक्षय कुमार जब भी अपना कॉमेडी में आते हैं तो यार वो कमाल ही कर देते हैं। अब देखो यार, मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी उसके बारे में तो यार मैं मूवी का ट्रेलर देखकर तो क्या ही बता सकता हूँ, इवन कोई भी नहीं बता सकता मूवी का ट्रेलर देखकर। जब ये मूवी रिलीज होगी तब उसके बारे में वहां पर बात करेंगे। बट अब इससे एक यही उम्मीद की जा सकती है कि काफी टाइम से जो हिंदी कॉमेडी मूवी नहीं देखी है तो उन सब चीजों को ये प्रोवाइड करे, अच्छी कॉमेडी हो, जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो सब चीजें इसके अंदर देखने को मिले। इसमें हॉरर का भी तड़का होने वाला है, बट यार हमारे हॉरर जो कॉमेडी के साथ जो हॉरर आता है ऑब्वियसली उसमें हॉरर तो कुछ भी रह ही नहीं जाता। सोचो यार, कॉमेडी के अंदर हॉरर डालना यानी हॉरर का ही मजाक उड़ाना आ जाते हैं। अब काफी सारे कमेंट, जो लक्ष्मी बॉम्ब का जो ट्रेलर रिलीज किया गया था उसके नीचे लोगों ने लिख रखा था कि यार बॉलीवुड अपने खुद का दिमाग यूज नहीं करता, वो बहुत सारे मतलब कंटेंट जो है वो साउथ से चक लेता है, उसका रीमेक बना लेता है। ऑब्वियसली ये बात सच है कि बहुत सारी जो बॉलीवुड मूवी होती है वो जो साउथ की जो मूवी होती है उनके हूबहू कॉपी कर लेते हैं। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि बॉलीवुड जो बहुत कम सर्च करता है, अपनी खुद की स्टोरी बहुत कम बनाता है, बट यार इसका मतलब ये नहीं कि जो साउथ की जो मूवी होती है उनकी कॉपी करके अगर नॉर्थ की जहां पर जो हिंदी जो लोग हिंदी लोग रहते हैं जिनको हिंदी समझ आती है अगर उनको वो मूवी हिंदी में दिखाई जाए तो वो कोई खराब बात है। ऑब्वियसली वो एक अच्छी बात है कि वहां का कंटेंट है यहां पर दिखाया जाता है, इवन अगर क्रेडिट दिया जाता है कि हाँ इस मूवी से रिलेटेड है तो एक बहुत अच्छी बात है कि वहां की मूवी से हम रिलेट कर पाएंगे, यहां पे की जनता उसको देख पाएगी। आप उदाहरण ही ले सकते हो कि कबीर सिंह जैसी मूवी आई थी जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, वो भी तो एक साउथ की मूवी की एक रीमेक थी बट वो एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी हमारे सामने। ऐसे ही बिना यार देखे किसी भी मूवी के बारे में प्री जजमेंट नहीं देना चाहिए कि हाँ यार ये वो वहां की रीमेक होने वाली तो ये खराब ही होगी। यार इवन ये मूवी अच्छी हो सकती है, स्टोरी हूबहू, कुछ हमें नया तड़का देखने को मिल सकता है, ये जब हम तब डिसाइड करेंगे ना जब ये मूवी आ जाएगी। यार वो चीजें गलत होती हैं, कई लोग जो है साउथ की मूवी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और उनको वो क्रेडिट तक नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ वो पैसे कमा लेते हैं, वो बहुत ज्यादा चीज गलत हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज को वहां से लिया जाता है, इवन ये बताते हुए कि हमने ये एक मूवी है साउथ से ली है और हम इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, बहुत अच्छी मूवी है और ये हमें नॉर्थ में दिखाना चाहते हैं जहां पर लोग हिंदी को समझते, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर वो चीज अच्छे कंटेंट की लोगों को दिखाया जाए, एक अच्छे नए एंगल से उसको दिखाया जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो एक बात जो मेरे दिमाग में वो आई कि यार क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म इन थिएटर्स को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि यार देखो जैसे पेंडेमिक का चला है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेजोन हो गया, डिजनी प्लस हॉटस्टार हो गया, या फिर एयरटी बालाजी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और भी बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हाँ एक बात यह भी सच है कि जो थिएटर के जो दीवाने होते हैं वो एक अलग ही ऑडियंस होती है, वो भले ही कुछ भी हो जाए वो थिएटर में जाकर जरूर देखती देखती है, बट इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग अपने परिवार के साथ इस महामारी में, अब तो बहुत टाइम चलने वाली एक ऐसी चीज आती है कि हमें मास्क अपने फेस के ऊपर रखना पड़ेगा, हमें सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग काफी टाइम तक यूज करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यार एक दिन में तो वैक्सीन आने वाली है नहीं, कुछ टाइम इसको वैक्सीन में आने लग जाएगा। इवन जितनी भारत की जो जनसंख्या है वहां तक हर एक इंसान तक वैक्सीन पहुंचना, मध्यम वर्गीय, लो वर्गीय, जो पुअर जो लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंचना 1.5 साल लग जाएगा, तो सोचो यार कितनी ज्यादा हमें प्रिक्वेशन अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे हालात में जो जनता है वो आम जनता वो तो यही चाहेगी ना, वो आराम से अपने घर पर बैठे और अपने परिवार के साथ, और जो अकेला होता है वो भी ये सोचता है ना कि यार कौन बाहर जाए, तो वो अपने घर पर ही उस मूवी को अपने मतलब टीवी के ऊपर देखना चाहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म वो चीजें इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस बात को डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इंपैक्ट करने वाले हैं थिएटर्स के ऊपर, क्योंकि एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केट ये अपना बना चुके हैं ऑलरेडी भारत के अंदर जब इसे ये पेंडेमिक चला है, और अब तो बहुत सारे लोगों ने इनके सब्सक्रिप्शन खरीद लिए हैं, इवन बहुत से सस्ते सस्ते सब्सक्रिप्शन भी आते हैं, बट एक नेटफ्लिक्स को छोड़ दो जिसका थोड़ा महंगा सब्सक्रिप्शन पड़ता है। खैर, अब देखने वाली बात है कि अब कौन सी मूवी जो है अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है जब तक ये पेंडेमिक चल रही है, या फिर थिएटर खुल जाएंगे तब उसके बाद कितने टाइम बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी और कितने लोग जो है वो थिएटर में जाते हैं या कितने लोग नहीं जाते हैं वो तो अब देखने वाली बात है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।